हेलो लवली लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल कर्व्स एंड स्टाइल्स। मैं हूँ मिली और जी हाँ, आज हम रिव्यू करने वाले हैं द मोस्ट गॉर्जियस एंड अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट्स। ये निका के की छोटी छोटी सी आई शेडो पैलेट्स हैं और ये काफ़ी अफोर्डेबल हैं। मैंने इनको 300 रुपीज़ में सेल में से नायका से परचेज़ किया था। एक दो के तो मैं रिव्यू आपको अपने नायका हॉल में दिखा भी चुकी हूँ और बाकी के भी मैंने नायका से ही लिए थे। जब जब सेल आई मैंने इनको ग्रैब किया। ये मुझे 300 रुपीज़ की पड़ी हैं। वैसे इनकी जो MRP है वो 600 रुपीज़ है। जी हाँ, 600 रुपीज़ हैं और मैं इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो फटाफट जाके परचेस कर सकती हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हैं इनके स्वेचर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली पैलेट है ये शुगर प्लम। जी हाँ, चलिए इसके स्वेचर्स देखते हैं। ये इसके स्वेचर्स हैं। जी हाँ, ये पिगमेंटेड तो काफ़ी हैं कुछ शेड्स को छोड़कर, लेकिन ये मैंने 300 रुपीज़ का परचेज़ किया था। इसका जो जो ये वाला शेड है, ये शेड है, ये जो शिमरी शेड्स हैं इसके थोड़े से मुझे चंकी जैसे लगे, कुछ बहुत अच्छी लगी मुझे। इससे बहुत ही सुंदर मैंने एक लुक भी क्रिएट किया था पर्पलिश कलर में। आप ये देखिए, बाकी एक दो कलर्स को देख के बाकी के पिगमेंटेशन आप देख सकते हो। ये कितना गॉर्जियस है, ये पहले तीन कितने गॉर्जियस हैं। आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हो और बहुत ही अफोर्डेबल चाहते हो। और हाँ, ये थोड़े से मुझे हुडा ब्यूटी के ड्यूब जैसे भी नज़र आते हैं। आई नो हुडा ब्यूटी इज़ हुडा ब्यूटी, बट ये उनके ड्यूब जैसे भी आप ले सकते हो। अगर आप 2500-3000 का जो पैलेट है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप इनको ले सकते हो। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ ये ऑटम स्पाइस। इसमें बहुत ही प्यारे न्यूड कलर्स हैं और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। वैसे मेरी सारी ही फेवरेट्स हैं, लेकिन ये वाली सब न्यूड शेड्स हैं इसमें। चलिए इनके स्वेचेस देखते हैं। आप ये देखिए इसके हैंड स्वेचेस, बिलीव मी ये इतने गॉर्जियस हैं। आप एक एक कलर का पिगमेंटेशन देखो और इसके फॉल आउट बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। और जी हाँ, ये देखिए, बस एक थोड़ा सा जो ये वाइट कलर है, ये वाला, ये थोड़ा सा कम पिगमेंटेड है, बाकी के सारे बॉम है बिलीव मी। ये थी हमारी ऑटम स्पाइस। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ ये पॉइजन एप्पल। जी हाँ, इससे अगर आपने मेरा गुरुद्वारा मेकअप लुक का वीडियो नहीं देखा था तो प्लीज़ देखिएगा। पॉइजन एप्पल से ही मैंने वो क्रिएट किया था एंड ये मेरा पर्सनली फेवरेट है एंड ये बहुत अच्छा है, बिलीव मी। आपको यदि स्पेंड करना है 300-400 रुपीज़, 500 अगर या आपको 6 में भी मिल रहा है तो ले लेना। ये बहुत अच्छे हैं और इनका जो पिगमेंटेशन है इसमें कोई ज़्यादा फॉल आउट भी नहीं हुआ था। इसके मैं स्वेचेस आपको दिखाती हूँ। ये हैं इनके स्वेचेस, पॉइजन एप्पल, वाओ। और इनमें देखो फॉल आउट भी नहीं हो रहा, आपके सामने है। जो भी ये कहते हैं कि ये आई शेडो पैलेट्स अच्छी नहीं है, आई थिंक उनको मेकअप करना ही नहीं आता होगा। दिस आर रियली ब्यूटिफुल गॉर्जियस आई शेडो पैलेट्स, आई टू लव इट। ये मेरी फेवरेट है। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ ये बर्थडे केक। जी हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है एंड अगेन ये भी मेरा फेवरेट है। चलिए इसके स्वेचेस देखते हैं। ये इसके स्वेचेस, लुक एट दी पिगमेंटेशन। ये येलो वाला देखिए, ये एक ही बार में मैंने उंगली से उठाया है। और ये वाला देखिए, ब्लू स्काई ब्लू का देखिए आप। ये थोड़ा सा बड़ा ही सटल सा जो ग्लिटर होता है उसमें वो है। हाँ, ये जो थोड़ा सा पर्पलिश है, ये वाला जो शेड है, ये थोड़ा सा इसका फॉल आउट हो रहा था। और अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आपके फॉल आउट ना हो, तो आप क्या कीजिए, आप जब भी आई शेडो अप्लाई करें ब्रश के ऊपर थोड़ा सा आप स्प्रे कर लें या वेट ब्रश से अप्लाई करें तो ये बहुत अच्छे से अप्लाई होगा। ये हो गया बर्थडे केक। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ ये ओशियन आइज़।
ये ब्लू है, इसमें सब कुछ ब्लू के टोन्स आएंगे आपको। आप भी इनसे भी बहुत ही प्यारा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। चलिए इनके स्वेचेस देखते हैं। इसके स्वेचेस हैं, इसके जो ये कुछ शेड्स हैं, इनका जो पिगमेंटेशन है इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप लाइट सा ब्लू कलर का कुछ ट्राई करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे इसका थोड़ा और जो पैलेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसका पिगमेंटेशन थोड़ा सा लेस है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। मैंने 300 रुपीज़ में ली थी और ये बहुत ही प्यारी लगी मुझे। ये देखिए, गॉर्जियस। नेक्स्ट लेके आई हूँ मैं ये लकी चार्म। जी हाँ, आज का ये मेकअप लुक इसी लकी चार्म से मैंने अचीव किया था और ये भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं। गॉर्जियस कलर्स। इसके स्वेचेस देखते हैं। ये इसके हैंड स्वेचेस हैं। जी हाँ, ये देखिए, इसमें से ये जो दो ऊपर के शेड्स हैं ये थोड़े से पाउडरी हैं, बाकी का पिगमेंटेशन और इसका जो थोड़ा सा पिगमेंटेशन मुझे कम लगा एक शेड का, और बाकी के सारे आप देखो, मतलब जब आप पैलेट्स को आइस पे यूज़ करते हैं तो असल में मालूम चलता है कि वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो ये आँखों पे भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। तो ये हो गया हमारा लकी चार्म। तो ये थे हमारे निका के आई शेडो पैलेट्स के रिव्यू एंड स्वेचेस। जी हाँ, मेरी पर्सनल फेवरेट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी पर्सनल फेवरेट है पॉइजन एप्पल एंड बोदे केक, और नंबर 3 पे ऑटम स्पाइस। वैसे तो सभी अच्छी हैं, लेकिन लकी चार्म इज़ ऑल्सो गुड। आँखों पे ये जो पैलेट्स हैं ये आईज पे भी अच्छे से पे ऑफ देती हैं, और इनका जो फॉल आउट है बहुत ही कम होता है। और जी हाँ, फॉल आउट ना हो इसके लिए आप वेट ब्रशेस को यूज़ कर सकते हो, पिगमेंटेशन अच्छा आएगा और बहुत ही प्यारा और फ्लॉलेस मेकअप होगा। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो दैट आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और मैं आपको सबसे पहले दिखूँ। तो अब मैं चलती हूँ, फिर कुछ नया लेके आती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।